वरना अभी गोश्त हम लेंगे। ओके ये लगा हुआ है। यासदीक आजो 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 मेरे शहजादे आजो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी आज सुबह सुबह ना मैं इधर आया हूँ मकतब। मकतब में जो है ना हमें चाहिए वो अगद अमल, अगद अमल चाहिए। अगद अमल पता क्या होता है, जब आप किसी का काम करते हैं ना तो उसके साथ जो इत्तफाक हो वो लिखते हैं ऊपर, कितने रुपए मीटर या तुम्हारे काम की कितनी गारंटी है। हर सऊदी नहीं मांगता, कुछ सऊदी जो डेंजरस होते हैं ना वो मांगते हैं और उसके लिए आए हैं। और अभी रात सारी जो है ना चाचा जी की तबीयत ख़राब रही है, इतनी ज़्यादा आदमी बोल रहे हैं वो सारी रात जो है ना बेचारा सो नहीं सका। और अभी जो है ना उसको अस्पताल भी लेके जाना है, उसको चेकअप कराना है क्या मसला है, क्योंकि उसके जो है ना सांस की प्रॉब्लम है। आपको दिखाते हैं क्या होगा उसके बेचारे को, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले इधर से जो है ना हम अपना जो वर्क है ना वो लें। अच्छा जी, ये हमने पेपर निकालनी है अगद इत्तफाक, ये देखिए अगद इत्तफाक है, ठीक है। और इधर डेट वगैरह लिखी जानी है, ये मेरे मुसस्से का नाम है। ओके, और इधर जो है ना कितने का काम है वो है, ठीक है। और इधर वो दूसरी तरफ जो आदमी है ना उसका आईडी कार्ड, ये वो नंबर जो है ना लिखना है सारा। ये अगर हमने काम किया ना किसी का, अगर काम गलत हो गया, अगर ये लिखा हुआ है हमने अपने मुसस्से की मोहर लगा के दी है, उसको मैंने अपने साइन करके दिए हैं, अगर काम में ख़राबी हो गई है, अगर मैंने जितने साल की गारंटी लिखनी है मैंने इधर इसके ऊपर जो है ना 15 साल की गारंटी लिख के देनी है। अगर काम ख़राब हो गया या कोई मसला बन गया ना तो मुझसे काम दोबारा करवा सकता है और मैं काम करके दूँगा, क्योंकि ये वर्के में इतनी ताकत है। हर सऊदी नहीं मांगता, कुछ सऊदी जो वहमी होते हैं ना, जिनको शक होता है भाई ये काम गिर जाएगा, ये होगा वो होगा, वो सऊदी लेते हैं। मैंने बोला था उसको कोई ज़रूरत नहीं, बोलते नहीं 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 लाजमी मैंने जो है ना इत्तफाक अगर का पेपर लेके आओ उसके ऊपर इत्तफाक लिखना ये वो। मैंने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं है। और अभी चलते हैं, अभी यार नाश्ता करने जा रहे हैं क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ। और दूसरी गाड़ी जो है ना उधर खड़ी कर दी है, क्योंकि वो जो है ना जब सामान वगैरह रखना हो ना उस टाइम यूज़ होती है। यार वो ना अभी मैं नाश्ता करने जा रहा था, लेकिन अभी नाश्ता करने नहीं जाना, वो चाचा की कॉल आई है। वो बोल रहे यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हारी मेहरबानी मुझे ले जाओ। मैंने बोला ठीक है तुम आओ, पहले मैं तुम्हें लेके चलता हूँ हॉस्पिटल और बाद में जो है ना नाश्ता वगैरह हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। मैं अभी उतर के खुद आया हूँ रूम में, पता नहीं उससे चला भी जा रहा है या नहीं, अभी जा के चेक करते हैं। लगता है उससे चला नहीं जा रहा, जो अभी तक आया नहीं। बटन बंद करो, बटन बंद करो, ज़्यादा मुश्किल है। चलो चलो, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे यार। की प्रॉब्लम की साह दी, साह की प्रॉब्लम है और ऊपर से प्रदेश अल्लाह है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है चाचे को रात की बहुत ज्यादा। और रात को मैं सोया होता, इसने मुझे उठाया भी नहीं है, नहीं तो मैं इसको रात को ले जाता। ठीक है, अभी ये देखे ये कंडीशन है इसकी। चलो एसी वगैरह जो है ना बंद करवा लिया चाचे ने, शीशा खोल दिया, ये देख रहे हैं। अल्लाह खैर करे यार, पहले भी कभी हुआ चाचा? नहीं आज तक नहीं हुआ। खांसी लगी है, खांसी सारा खांसी सारा मसला है।
ये मजबूरी है यार, नहीं तो ये उम्र में काम करी ना होते यार, मजबूरी करवा देती है। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे हर परदेसी। उतरो उतरो मैं ना उत्थे गड्डी साइड ते हिला के आंदा। जो है ना पहले इंटर होती है अपने गामा दी है, ठीक है, उसके बाद जो है ना उसने टेस्ट वगैरह किया इसका, ब्लड प्रेशर ये वो सांस का जो भी मसला है, और अभी डॉक्टर के पास जाना हमने। ठीक है, खलोता नहीं जान दिया चाचा जी से यार, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये देखो लेट जा, कुछ नहीं होता लेट है, लेट दी यार कुछ नहीं होता लेट, लेट तो सही उन्होंने चेकअप करने सारा, तुम इंजेक्शन वगैरह लगने लेट। साग बेहतर है की कहने ने, 10 मिनट बाद फिर, हाँ ये देख रहे हैं उसने ना दोबारा इसके अंदर जो है ना इंजेक्शन वगैरह डाले हुए हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं तकरीबन 10 मिनट इसको रेस्ट दो, दोबारा फिर ऑक्सीजन लगी, सेट हो ऐसा थोड़ा जहा, अल्लाह ख्याल करेगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी है। हाँ ये दोबारा ऑक्सीजन जो है ना उन्होंने चालू कर दिया, ठीक है, इसको जो है ना सांस की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो इधर आगे बाहर बैठ के वेट कर रहा हूँ, उसने बोला तकरीबन जो है ना अभी 2-3 बार जो है ना ऑक्सीजन चेंज होनी है, इंजेक्शन लगा के उसके अंदर जो है ना दोबारा दोबारा ऑक्सीजन लगानी है, और मेरी तो उसको देख देख के जो है ना तबीयत खराब हो रही है, बूढ़ा आदमी अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे रहा है। अभी उसने भाई साहब ऑक्सीजन उतारी है, ठीक है, अभी ये बोतल भी लगनी है, ये भी इंजेक्शन है, इसके अंदर डाल के ना उसने दोबारा ऑक्सीजन लगानी है। अभी ठीक है कि 10 मिनट वेट, कोई गल नहीं अल्लाह खैर करे। ये अभी जो है ना सतलिया, उधर से मेडिसिन लेनी है, चाचा अभी उधर ही है, ये देख रहे हैं फूल लगाया हुआ उसने सर पे, ये सर पे फूल लगाते हैं, इनका कोई अजीब ही सिस्टम है भाई साहब। ये अभी आदमी जाएगा तो फिर हम इधर काउंटर पे खड़े होंगे, ठीक है, नहीं तो बैठने के लिए नहीं हुई है जगह, आप इधर बैठ सकते हैं, राशनिंग लगाना, आप जिस तरफ भी जाएंगे ना उधर बैठने के लिए उन्होंने कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई हैं ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। ये अभी उसने दिया और लेने गया है, और ये मेडिसिन उसने बोला नाश्ता करने से पहले जो है ना ये रोज़ाना एक दिन में एक खानी। ये गोलियां भी दी हैं उसने, बोला दोपहर को खाने के बाद एक खानी है, और ये बमो तो ये ले सकते हो, मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये जो है ना बखार है, ठीक है, अंदर से इसको पैकिंग करके चलते हैं चाचे के पास, ये हॉस्पिटल में क्लीनिंग चेक करें कितनी अच्छी सफाई है, आप जिस तरफ भी जाएंगे सफाई सफाई। चाचा उन्होंने निकाल दी है, वो देखे सामने बैठा हुआ है, की कहने ठीक है। हेलो जनाब है अपनी दवाई, इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुम तंदुरुस्ती दे, चलो की फील कर रहे हो, सही हो ना थोड़ा जहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जी नहीं नहीं अल्लाह खैर करेगा, हूँ ठीक है, चलो अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। मैंने तो यार नाश्ता भी नहीं किया चाचे के चक्कर में,
क्योंकि चाचे की कंडीशन देखी है ना, तो मैंने बोला नाश्ता खल्ले वाले पहले चाचे को लेके चलते हैं। अल्लाह अकबर। यार इधर मार्केट आया हूँ, इधर से लेना है लहम, क्योंकि डॉक्टर जो है ना उसने बोला इसको जो है ना बकरे के गोश्त का सूप वगैरह पिलाओ, क्योंकि इसकी तबीयत जो है ना फिर ही ज़रा सेट होगी, तो इसीलिए अभी इधर से जो है ना हम ले हैं लहम। ओके, ये इधर से वो उस साइड पे जाएंगे, उस साइड पे गोश्त लगा हुआ है। ये इधर से जो है ना अभी गोश्त हम लेंगे। ओके, ये लगा हुआ है। यासदीक सारे आखोया आए तो हैं, अभी इधर से जो है ना सब्जी वगैरह भी ले लें। इधर ये थोम जो है ना ये भी डिस्काउंट में लगा हुआ है, 3 रियाल 25 हलाला, बाहर से आपको 5 रियाल का मिलेगा। कैफ हालक अलहम्दुलिल्लाह नानता अना इंतज़ार है आखिर हक। ये जो है ना हमने लिया, मैं इसका इंतज़ार कर रहा था, ये दोस्त है बोलता ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ, ये जो है ना हमने बोला इसको छोटे छोटे पीस कर दो। इधर से भाई साहब ग्रेप्स ले लें थोड़े से, इसको रखते हैं इधर, और ये इधर से जो है ना वेट करवा के जितना होगा ये बना है हमारा 13 रियाल का। और ये सब्जी इधर से चॉकलेट ले लें एक, भाई एक चमचा और दो, ये अपने जानू बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं बिरयानी हैं। की लगवाया भाई ओजरी? ये भाई साहब ओजरी बनी हुई है और साथ आया सलाद, पहले हमने खाई है बिरयानी और अभी ओजरी। ये यार अभी मैं ना घर आया हूँ और ये कबूतर तारों पे बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं, देखा है अभी मैं खड़ा हुआ हूँ और ये नीचे आना शुरू हो गए हैं, अभी मैंने दाना नहीं पकड़ा और दाना भी जो है ना ये ख़त्म हो गया, आज इंशाल्लाह शाम को दाना लेके आएंगे, ये जो है ना इनको डाल देते हैं। चलो जी, ये चीज़ ये तो अपनी जान है यार, कबूतर जो है ना कबूतर इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे, मैं आपको क्या बताऊँ, दिल करता है खुद खाऊँ या ना खाऊँ इनको ज़रूर खिलाऊँ, खुदा की कसम मेरा ये दिल करता है। तो इधर करते हैं यार अपनी वीडियो का एंड, दुआ करें अल्लाह पाक जितने परदेसी हैं ना उनको अल्लाह पाक तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, इधर बीमारी किसी को ना लगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।